हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन ट्यूब। मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, कैसे आप कस्टम डोमेन को गूगल ब्लॉगर के साथ कॉन्फिगर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो एक्चुअली किया क्योंकि मेरे को बहुत सारा कमेंट्स और बहुत सारा रिक्वेस्ट मिला है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको कस्टम डोमेन के साथ ब्लॉगर को कैसे कॉन्फिगर किया जाते हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड, डोंट स्किप दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, मेरा फ्री यूट्यूब टिप्स को अगर मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहां पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे क्लिक करने से मेरा अपकमिंग जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यूट्यूब से पैसा अर्न कर रहे हैं वैसे ही आप वेबसाइट या ब्लॉग से बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। इवन यूट्यूब से भी बेटर आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब से भी ज्यादा ब्लॉगर या वेबसाइट से अर्निंग होते हैं, क्योंकि ब्लॉगर और वेबसाइट का जो एड्स आते हैं उसका जो सीपीसी होते हैं बहुत ही हाई रहते हैं और वहाँ पे अर्निंग भी बहुत ही ज्यादा आते हैं। इंडिया में यूट्यूब से जो अर्निंग आते हैं, मतलब वहाँ पे जो एड्स चलते हैं उसका थोड़ा बहुत कमीशन हम लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जो सीपीसी होते हैं उसके एड का जो रेटिंग होते हैं, मतलब वैल्यू होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। इससे हम लोगों का जो अर्निंग है वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब बहुत ही कम ग्रोथ होते हैं। और अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट या ब्लॉग से बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे हम लोग जैसे अर्निंग करते हैं उससे भी ज्यादा हम लोग अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट या ब्लॉग से। तो अगर आप फ्रेंड्स वेबसाइट या ब्लॉग खोलना चाहते हैं तो आप वहां से भी बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं वहां पे एड लगा के। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब के साथ साथ ब्लॉग से भी अर्निंग करना चाहते हैं, और अगर आपका जो गूगल जो ब्लॉगर है वहां पे अगर आपका एक वेबसाइट ऑलरेडी है, मतलब एक ब्लॉग अगर है, और तो आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आपका गूगल एडसेंस के अकाउंट होस्टेड अकाउंट होते हैं, मतलब यूट्यूब के साथ ऑलरेडी एडेड होते हैं, तो वहां पे आपका जो ब्लॉग है, ब्लॉग को मतलब ब्लॉगर जो फ्री ब्लॉगर है उसको आप वहां पे ऐड नहीं कर सकते हैं, वहां पे कोई ऐड लगा नहीं सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अगर वहां पे नहीं लगा सकते हैं तो अर्निंग भी नहीं होगा। तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम डोमेन या हाई प्रायोरिटी डोमेन आपको खरीदना पड़ते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, तो यहां पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वहां पे लिंक है, वहां पे आप जाके आप चेक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा मेरे को कमेंट्स मिला है, बहुत सारा रिक्वेस्ट मिला है कि इसको कैसे प्रॉपर्ली कॉन्फिगर किया जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉपर्ली कॉन्फिगर किया जाते हैं। अगर आपका पास एक कस्टम डोमेन है या अगर आप खरीदने वाले हैं तो उसको कैसे आप कॉन्फिगर कर सकते हैं आपका जो फ्री ब्लॉगर है उसके साथ। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फायदा है कि यहाँ पे आपको होस्टिंग स्पेस खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपका सिर्फ डोमेन खरीदने का जरूरत है और डोमेन को मेंटेन करने का जरूरत है, मतलब आपको डोमेन को रिन्यू करना पड़ेगा ईयरली, या आपको 2 इयर्स या आफ्टर 5 इयर्स। और यहाँ पे एडसेंस में अगर आप एक बार वेरीफाइड हो जाते हैं तो बहुत सारा वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक ही एडसेंस के अकाउंट के साथ, और यहाँ पे बहुत सारा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको कैसे प्रॉपरली कॉन्फिगर किया जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जंप टू माय कंप्यूटर। तो आपको क्या करना है, ब्लॉगर में आपको लॉग इन करके आपको सेटिंग्स में जाना है वहाँ पे डैशबोर्ड पे, और उसके बाद नीचे जब भी आएंगे तो यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस जो सेक्शन है यहाँ पे आपका जो पुराना वाला यूआरएल वहाँ पे शो कर रहा है, तो सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो डोमेन है डोमेन को आपको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पहले से ही मेरा यहाँ पे हियोक्स इंडिया से मैं परचेस किया हूँ, आप बिग रॉक क्या गोडैडी आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डोमेन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं TPLW यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे मेरे को TPLW यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक एरर आएगा, देखिए यहाँ पे वेरीफाई और अथॉरिटी डोमेन यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर 9। ठीक है, तो इसको मेरे को सेटअप करना है। तो यहाँ पे मेरा जो लेवल और होस्ट नेम है और जो मेरा टारगेट पॉइंट है मतलब डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसका डैशबोर्ड पे आपको मैनेज DNS का आपके ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपको मैनेज DNS पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मैनेज DNS पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मेरे को CNAME पहले मेरे को ऐड करना है। तो CNAME ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको टैब मिल जाएगा, तो यहाँ पे CNAME आपको रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो ऐड CNAME रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बटन है। तो उसके बाद मेरे को कॉपी करना है मेरा जो ब्लॉगर का जो ऑप्शन है सेटिंग से, वहां से मेरे को कॉपी करना है। तो पहला वाला जो सेक्शन है वो सभी का कॉमन होते हैं TPLW, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद वैल्यू का सेक्शन पे मेरे को डेस्टिनेशन जो सेक्शन है वो यहाँ पे मेरे को डेस्टिनेशन जो URL है उसको मेरे को पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, और उसके बाद ऐड CNAME रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे ए रिकॉर्ड जो है वो पहले से ही क्रिएट है, इसके लिए रिकॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले से ही मेरा एक रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो इसको मेरे को डिलीट करना है। अगर आपके पास नहीं होते हैं कोई भी रिकॉर्ड तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो उसके बाद फिर से मैं सीनेम पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड सीनेम रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर से वही चीज मेरे को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल डब्ल्यू को कॉपी कर देता हूँ वैल्यू जो है, और उसके बाद वैल्यू जो है वो इसको मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ऐड सीनेम रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद दूसरा ऐड सीनेम रिकॉर्ड मेरे को क्लिक करना है मतलब क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मेरा जो नया जो ऐड सीनेम रिकॉर्ड, तो हर ब्लॉगर का एक ये जो सेकंड वाला जो सीनेम रिकॉर्ड है वो अलग होते हैं, तो यहाँ से आपको ठीक तरह से कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। तो ये सभी का सेम नहीं रहते हैं, ये सभी का यूनिक होते हैं, तो इसको ध्यान में रख के आपको करना है। तो यहाँ पे ऐड सीनेम रिकॉर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे दो सीनेम रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद मेरा सीनेम रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरे को ए रिकॉर्ड सेव करना है। तो इसके लिए मेरे को ए पे क्लिक करना है, और उसके बाद ऐड ए रिकॉर्ड यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। तो इसका जो आईपी है 4 आईपी होते हैं, तो यहाँ पे मेरा पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है नोटपैड पे, आपको ये मेरा जो tipsontube.in जो मेरा वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए इसको, और उसके बाद यहाँ पे ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को सेट करना है। तो मैं सबको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब के सब रिकॉर्ड मेरा सेव हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, तो मेरा सीनेम रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड दोनों ही सेव हो चुका है। तो उसके बाद प्रोपोकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, आफ्टर 12 आवर्स मेरा हो गया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करके रिडायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद सेव करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक करके देखता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा जो ब्लॉगर का वेबसाइट है वो यहाँ पे web-techsolution.com यहाँ पे मेरा खुल गया है। तो ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से आपका जो कस्टम डोमेन है उसको आप ब्लॉगर के साथ सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कैसे प्रॉपरली कॉन्फिगर किया जाते हैं, तो इसमें आपका बहुत ही अच्छा फायदा है, यहाँ पे आपका बहुत सारा बचत है, और यहाँ पे होस्टिंग स्पेस को लेके आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज भी फायदा है कि आपको कोई भी डेटाबेस मेंटेन करना नहीं है, आपका होस्टिंग जो स्पेस है आपका जो सी पैनल है उसको मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको उसको लेके कोई भी हेडेक लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।